दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यूज़ चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान में हुई स्ट्राइक में कितने लोग मारे गए हैं, उसकी पुष्टि हो गई है, यानी कि स्ट्राइक के दौरान कितने लोग वहां पर मौजूद थे। इसके बारे में अभी तक किसी को भी इसके सबूत नहीं मिले थे कि कितने लोग अभी तक मारे गए थे, लेकिन आज इसकी पुष्टि हो गई है कि जैसे मोहम्मद के कैंपों पर हमला हुआ था, उसमें वहाँ पर 200 अच्छे से ज़्यादा लोग थे, यानी कि 200 अच्छे से ज़्यादा आतंकी थे। इसके पुष्टि मोबाइल के द्वारा की गई है और उसमें 200 से ज़्यादा मोबाइल एक्टिव थे उस समय। और इसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की कार्रवाई के दौरान वहाँ 225 से ज़्यादा आतंकी मौजूद। वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर की गई स्ट्राइक में 200 अच्छी ज़्यादा आतंकी को मारे जाने का सबूत सामने आ गया है। और सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना को बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन एक्टिव होने की जानकारी दी थी। इसके अलावा बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के कैंप में 225 से ज़्यादा आतंकियों के मौजूद होने की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई और खुफिया एजेंसियों ने भी इसकी जानकारी के सबूत भी दिए गए हैं। इस जानकारी के बाद भारतीय वायुसेना के मेरा लड़ाकू विमानों ने भी जैश के कैंप पर स्ट्राइक की थी और भारतीय वायुसेना का बालाकोट मिशन पूरी तरह सफल रहा कि उसने अपने पुलवामा आतंकवादी हमले का बदला ले। आज एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सोमवार को यानी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की एक और नापाक कोशिश को विफल कर दिया है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तान का एक ड्रोन आज भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तब वह ड्रोन को मार गिराया है। ये ड्रोन राजस्थान के सटी सीमा पर मार गिराया था। इस ड्रोन का मलबा सीमा पर पाकिस्तान की तरफ गिरा है और भारतीय वायुसेना के रडार ने सुबह 11:30 पाकिस्तान ड्रोन को डिटेक्ट किया था और ये ड्रोन बीकानेर के पास भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया था। इसके बाद सुखोई ने इन्हें मार गिराया।